नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। देश की प्रसिद्ध कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व रखती है, नेस्ले इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दिया गया कि उसके मैगी नूडल्स में कुछ मात्रा में लेट होता है। हालांकि यह मात्रा जो मानक हैं उनके अनुसार ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने यह जवाब दिया तो फिर उनसे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा यह पूछा गया कि हम लेड वाली मैगी क्यों खाएं। नेस्ले इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उनकी तरफ से कोर्ट में हाजिर हुए थे, उन्होंने यह कहा कि इतनी मात्रा में लेट तो कई अन्य उत्पादों में भी होता है, लेकिन उनका यह जवाब कोर्ट पर भारी पड़ गया। इसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि सरकार द्वारा नेस्ले इंडिया के खिलाफ जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जो केस किया गया है उसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए कोर्ट द्वारा अनुमति दे दी गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व में नेस्ले इंडिया की मैगी पर रोक लग चुकी है और उस समय भी यही बात सामने आई थी कि जो बच्चों द्वारा सबसे ज़्यादा खाई जाती है मैगी नूडल्स, उसमें लेट की मात्रा अधिक होने से वह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। और इस पूरे मामले को लेकर उस समय मैगी पर रोक भी लगा दी गई थी पूरे देश में। सरकार द्वारा एक मामला नेस्ले पर झूठी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों का दायर किया गया था, जिसमें सरकार ने 640 करोड़ रुपए की मांग कंपनी से की थी। अब यही प्रकरण कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पर नेस्ले इंडिया द्वारा अपना पक्ष यह कहते हुए रखा गया कि मैगी नूडल्स में कुछ ही मात्रा में लेड होता है, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बात को खारिज कर दिया और अंततः सरकार को भ्रामक विज्ञापन के मामले में कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान कर दी।